दोस्तों कैसे आप लोग, स्वागत करता हूँ आपका यू क्रिएट्स में। मैं हूँ रुसेन तेर। आज की इस वीडियो में भाई हालत खराब हो चुकी, गर्मी बहुत पड़ रही है यार, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत गर्मी है यार, कूलर पता किए मार्केट में 5,000 के इतने से डब्बे दे रहे हैं, वो भी बहुत बेकार। बत्ती रही नहीं रही, इन्वेटर दिन भर झेल नहीं पाएगा, बात मैं बता रहा हूँ साहब। तो गर्मी का कोई सोल्यूशन हमको तो दिख नहीं रहा है, इसीलिए हमने बनाया है कुछ, से खरीद तो पाओगे नहीं तो कूलर ही बनाएंगे। और क्या, ऐसा कूलर बनाएंगे, 4-6 कूलर आप बना लो, घर के हर कमरे में रख दो, इन्वेटर में बिंदास बेधड़क होके चलाओ, कोई समस्या नहीं आने वाली। कूलर बनेगा मात्र 500-600 रुपए का, इससे ऊपर रुपया नहीं जाएगा। 7-8 बनाओ आराम से, हर कमरे में लगाओ, जितने कमरे उतने कूलर बनाओ, बिंदास चलाओ इन्वेटर पे। बिना देर किए बकवास करूंगा नहीं, लेट्स क्रिएट। तो इस तरीके का आपको एक बाल्टी ले लेना है प्लास्टिक की, जो कि चौकोर, आप गोल भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने डिज़ाइन बना ली है, जो भी डायमेंशन वगैरह थी उसकी अच्छी तरीके से कटिंग जहाँ से करना वहाँ पूरा डिज़ाइन कर लिया। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस आपको ये चीज़ रखना है कि आपको टैंक कितना इसमें रखना है। ये एंगल ग्राइंडर मैंने खुद ही बनाया था मोटर से, ये बन जाता है लगभग 150 से 200। मोटर की रेंज थोड़ी वैरी करती है जगह के हिसाब से, बाकी बन जाता है। आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक आ रही होगी, आप देख सकते हैं। तो इसको जल्दी से काट लेते हैं जहाँ जहाँ से मैंने मार्किंग बनाई है। फिर उसके बाद ये फ्रेम बहुत ही परफेक्ट बिल्कुल लगेगा, ऐसा जैसे मार्केट से ख़रीद के लाए हूँ। तो जल्दी इसकी कटिंग कर चुके हैं, अब हम देखिए कितना बढ़िया फ्रेम आ रहा है। आगे का गोल किया है, बाकी जहाँ जहाँ जाली लगानी है, घास लगानी है, उसको मैंने चौकोर काटा हुआ है। ये हमारी बाल्टी है और बाल्टी बिल्कुल फ्रेम जैसी लग रही है, जैसे कूलर का छोटा सा फ्रेम हो। तो भाई ये फ्रेम मैंने बना लिया है एक, जिसमें मैंने बिल्कुल जैसा आपका कूलर में लगा होता है चौकोर, उस तरीके का बना लिया है। इसमें मोटर लगा दिया है 12 वोल्ट का और इसमें प्रॉपलर भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा। पीछे से दो वायर निकले हुए हैं, इसको मैंने एक जिससे हम लोग पाइप की नलकी वगैरह कसते हैं उसकी मदद से बनाया है। इसमें किसी तरीके से कोई भी फेविक्विक वगैरह से नहीं चिपकाया है और बहुत ही ज़्यादा सॉलिड तरीके से ये चिपक जाता है। और टेप की मदद से इसमें वायरिंग वगैरह कर दी है, सीधे दो तार जोड़ना, कोई खास वायरिंग नहीं। अब मैं एक जाली ले लेता हूँ, जिसको मैंने बाहर की साइड जो गोल कट किया था वहाँ पे होल्ड की मदद से चिपका देता हूँ जल्दी से। तो जाली लग गई है, सेफ्टी हो गई है। और ये मैंने पंखा बना लिया था पहले ही, आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा फ्रेम था, जो कि मैं इसको लगाने वाला हूँ। अब आपने जो भी बोल्ट लगाया उसके ऊपर मैंने होल बना लिया था, आपको केवल बोल्ट से इसको टाइट करना है। तो जल्दी से इसको टाइट भी कर लेते हैं। तो भाई फैन भी लग चुका है, आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया, बिल्कुल जैसा रियल मार्केट में कूलर आता है उसी तरीके कुछ लुक आ रहा है। और इसमें मैंने तार वगैरह लगा के रखे थे, होल भर कर लिए थे, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको सिर्फ इस जाली को उसमें लगाना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आपको सेम फॉलो करते जाना है। तो चलिए जाली उठाते हैं, अब इसको सेट करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा। तो जाली बहुत अच्छी तरीके से लग चुकी है, कूलर जैसा ये लगने लगा है कुछ कुछ। और ये मैंने नलकी ले ली है जिसमें मैंने होल बनाए थे, मैंने पुराने कूलर का जो बनाया था एक ड्रोन वाला, उसी की नलकी ले ली है क्योंकि वो मैंने अब हटा दिया था। और ये मैंने एक तरीके का वाटर समरसेबल वाला पंप है जो वो ले लिया है, और इसमें बीच वाले होल में आपको इस तरीके से इसकी जो नलकी है उसको लगा देना है। और कनेक्शन बहुत ही ईजी होते हैं भाई, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपको ना समझ में आए तो कमेंट पूछ के पर्सनल बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी से इसके कनेक्शन करते हैं और फिर टेस्ट करके देखते हैं। तो बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए मैंने इसमें दो पोर्ट लगाए, एक में आप यूएसबी का जो चार्जर होता है वो लगा सकते हैं और दूसरे में आप एडाप्टर 12 वोल्ट का है, तो ये 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, आप जो जिस पे चलाना चाहे चला सकते हैं। एक स्विच दिया है पंप के लिए, पंप मोटर जो होता है, पानी चलाना चाहे चलाएं और ना चलाना चाहे ना चलाएं। तो ये कि मैं चार्जर की पिन इसमें लगाता हूँ और ये लगाते ही ये चलने लगेगा। ये देखिए मैं इसमें कनेक्ट करने वाला हूँ और ये मैंने कनेक्ट कर दिया, जो प्रॉपलर है वो चल चुकी है। आप रही बात पानी की, तो पानी के लिए आप खुद ही देखिए, आपके सामने लाइव टेस्टिंग बिल्कुल कर रहा हूँ। और ये मैंने ये दिखाया, ये देखिए चारों तरफ से पानी आने लगा, कितनी बेहतरीन तरीके से पानी आ रहा है और हवा भी ठीक ठाक ही है। मतलब ये 12 वोल्ट या 5 वोल्ट पे चल रहा है भाई, लिटरली आप समझ सकते हैं कितनी बिजली ये लेगा और इतना बेहतरीन है।
तो ये बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं भाई। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट रखा है। आप भाई अब नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कब करेंगे भाई, पैसा तो लगता भी नहीं। देखिए जाली पूरी की लिए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। तो फाइनली चार्जर को लगाते हैं अपने एक्सटेंशन बोर्ड में। ये 5 वोल्ट का चार्जर है, आप कोई भी इसका चार्जर यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल का चार्जर, ये अडाप्टर जिस पे चलाना चाहे आप चला सकते हैं। तो चलिए इसके सॉकेट में लगाते हैं। ये मैंने सॉकेट इसमें लगा के रखा था। ये देखिए जाली कितनी प्यारी लग रही है, और ये मैं उल्टा लगा रहा हूँ क्या सीधा लगा रहा हूँ, चलिए सीधा लगा के चेक करता हूँ। और ये मैंने इसमें बस इंसर्ट करने ही वाला हूँ, और मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, और ये फोकस कर लिया है, मैं लगाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए चल गया, जैसा ही लगाया वैसा ही चल गया, बहुत बेहतरीन चल रहा है, पानी बाहर आ रहा है। थोड़ा फोकस करके आपको और दिखा देते हैं, और इसका मोटर चालू करते हैं पंप। ये देखिए पंप चालू हो चुका है।